इस समय हम बस्ती ज़िले के बेलवरिया पुल के पास हैं जो बिसुही नदी के तट पे बना हुआ है। और ये जो प्लाट आप हरियाली वाला देख रहे हैं, यहाँ कभी जंगल हुआ करता था। और ये सारे प्लाट जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, गेहूं के फसल लगा हुआ है, यहाँ कभी जंगल हुआ करता था। जंगली जानवर यहाँ अपना चारा स्वयं खोज लेते थे। लेकिन आपको मैं ये सीन जो दिखा रहा हूँ, आप देख करके आप सोचेंगे कि बिसुही नदी के तट पर, बिल्कुल एकदम तट तक आप देख रहे हैं, जैसे ये सामने जो आप देख रहे हैं बिसुही नदी है जो वहाँ घूमते हुई आई है। ऐसे ऐसे आप देखते जाइए जहाँ वो आपको दिखाई पड़ रहा है। माँ काली का स्थान भी आपको देख रहे हैं आप, सामने है। और उधर से ही घूम करके यहाँ आया है, यहाँ बिल्कुल एकदम अर्ध चक्र के रूप में हो गया है। यहाँ से ब्रिज से निकल करके ये अर्धचंद्रमा के रूप में घूमते हुए ऐसे आकर के ये बिसुही नदी ऐसे ऐसे आकर के और फिर यहाँ जो है जस्ट सामने से यू टर्न ले ली है। लेकिन आप दोनों तट के एकदम नदी के तट तक आप देख रहे होंगे गेहूं का फसल लगा हुआ है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में सांड उपद्रव मचाए हैं। हम उसी पे आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं कि सांड जो उपद्रव मचाए हैं, पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, ये खदरा था, यहाँ कोई फसल उगाई नहीं जाती थी। लेकिन आप देखिए यहाँ के किसान एकदम नदी के तट तक, बिल्कुल जहाँ आप पानी देख रहे होंगे पानी के तट तक आप देखिए सरसों का फसल लगा हुआ है। ये बिसुही नदी है, आप देखें किस तरीके से लोग एकदम नदी के तट तक जुताई करके अपना फसल लगा दिए हैं। अब ऐसे में अगर कोई जंगली जानवर यहाँ आए तो फसल नहीं चरेगा तो क्या करेगा, आप ही स्वयं सोच सकते हैं। जैसे कि आप देखें, फिर लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ जो है योगी सरकार में सांड जो है काफ़ी उपद्रव मचा रहे हैं, जब उनके जगह को हम लोग कवर कर लेंगे तो ये जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, आप स्वयं सोचिए। देखिए आप आगे यू टर्न है नदी का, जैसे कि आप देख रहे हैं, और बिल्कुल नदी से सटा हुआ आप उस पार देखिए गेहूं का फसल लगा हुआ है, और इधर भी आप देखिए ये मेड़ी बांध करके और ये लोग गेहूं का फसल लगा दिए हैं। एकदम पूरा नदी का जो मुहाना है वहाँ तक फसल एकदम से लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। आगे यू टर्न हो गया है और यू टर्न के जस्ट दोनों बगल में, यानी नदी का एकदम स्वरूप जो जंगल हुआ करता था, यहाँ जंगल नाम का चीज़ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पूरा टोटल गेहूं का फसल लगा हुआ है और नदी के तट तक लगा हुआ है, जो आप सीन स्वयं देख सकते हैं। एकदम ये बिसुही नदी है, जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये बस्ती ज़िले में बेलवरिया पुल के पास का सीन हम आपको दिखा रहे हैं। आगे वो बेलवरिया पुल है, जैसा कि आप देखेंगे बेलवरिया पुल है, और उसके जस्ट पास का जो है सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। नदी के तट तक बिल्कुल गेहूं का फसल, बढ़िया फसल लगा हुआ है, देखें आप। आगे सड़क है, सड़क से अगर दाहिने तरफ आप जाएंगे तो ये गोंडा ज़िले के कुकनगर होते हुए खोड़ारे से ये आप नेपाल जाना चाहें तो गौरा चौकी सादुलानगर होते हुए निकल जाएं, या खोड़ारे से आप बभनान होते हुए फिर इधर बस्ती की तरफ मुड़ जाएं। और यदि आप बाएं तरफ देखेंगे तो जस्ट जैसे पुल आप क्रॉस करेंगे हलवा बाज़ार होते हुए आप बस्ती जा सकते हैं। ये मार्ग है, मार्ग का हाल भी बहुत खस्ता हाल है फिलहाल। लेकिन जो मैं सीन दिखा रहा हूँ, आप सोचें इसके बारे में कि जंगली जानवर कहाँ जाएँ, किस जगह पर जाएँ, जब हम ही आप अतिक्रमण करके इस तरीके से नदी के तट तक फसल की जुताई और बुवाई कर दिए हैं, तो ये जंगली जानवर जाएँ तो कहाँ जाएँ। सब लोग सरकार को ही दोषी मानते हैं, ऐसे में आप स्वयं विचार कीजिए कि सरकार दोषी है कि हम आप दोषी हैं, ये आपका अपना विचार है। ये बेलवरिया पुल है जो ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट और बस्ती को जोड़ता है, इधर मानपुर माझा दाहिने हाथ पे, और आगे आप निकलेंगे तो हलवा के लिए रास्ता जाएगा। नदी के तट पे, बिसुही नदी के तट पे बना हुआ है, और यहाँ का सीन जैसे कि हमने दिखाया है, बिल्कुल नदी के तट तक लोग फसल की जुताई बुआई कर रखे हैं। ये पुल से पश्चिमी सिरा है, हम अभी पुल पे खड़े हैं और उसके पश्चिमी सीन को आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने पूर्वी सीन को दर्शाया था, अभी आप पश्चिमी सीन देखिए, यहाँ भी वही हाल है, एकदम नदी के तट तक फसलें उगी हुई हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं।